मैं आपको बताऊंगा कि ईरान पर इसराइल की जानिब से जो हमला किया गया, जो दावा किया जा रहा था कि 100 तैयारे जो है उन्होंने हिस्सा लिया। अच्छा, कौन सी जगह है जहां की एयर के कौन से मुल्क की एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल की गई, एयर बेस कौन सी इस्तेमाल हुई, और साथ साथ आपको बताएंगे कि कौन से मुल्क ने वो जगह दी जहां से अटैक जो है वो किया गया, कितना नुकसान हुआ, सारी तफसीलात आपको बताते हैं। कल यानी कल ये अटैक की खबर पूरी मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और बताया जा रहा था कि ये जो अटैक है इसमें 100 तैयारे जिसमें F-16, F-15, F-35 जो हैं वो तैयारे इसमें शामिल थे। अब खबर ये आ रही है कि इसमें F-15 तैयारे जो है F-15 तैयारे उन्होंने हिस्सा लिया। अच्छा, मुख्तलिफ तैयारों की तो हम बात कर लें कि जिस इसने भी हिस्सा लिया हुआ क्या, नुकसान कितना हुआ। ईरान कहना है जी कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 4 जो फौजी हैं वो शहीद हुए और मामूली सी तनसीबात जो है उसको नुकसान पहुंचा, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और इसमें इस सारी सूरत हाल में ईरान ये कहता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत ज्यादा कामयाबी के साथ उसने तमाम जो मिसाइल दागे गए थे, जो बमबारी की गई थी, जो मिसाइल जो है वो जिस पर टारगेट किए गए थे, उसमें अकवामे मुत्तहदा की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक जो है वो बताया जा रहा है कि इराक से ये अटैक हुआ है, इराक से एयरबेस से तैयारे जो है उन्होंने उड़ान भरी और आकर ईरान पर अटैक किया। ये अकवामे मुत्तहदा की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस सारे मामले पे इस रिपोर्ट के अलावा अगर हम आगे बात करें तो कल की ये खबर थी कि जॉर्डन जो है वहां से मिसाइल दागे गए हैं। ये दो खबरें जो है वो सामने आई, कौन बता था कि बारे में रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है, वो आपके साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। दावा इसराइल की जानिब से किया जा रहा है कि 100 तैयारे जो है वो शामिल थे जिसके अंदर F-35, F-16 और F-15 ये तैयारे जो है इन्होंने अटैक किया था ईरान की, ईरान पर जाके और ईरान की जो तनसीबात है उनको निशाना बनाया था। अच्छा, यहां मैं आपको बता चलूं कि एयर डिफेंस जो सिस्टम था बहुत मुअसर तरीके से उसने काम किया और तमाम जो मिसाइल थे उनको नकारा बनाया। अब इसराइली मीडिया क्या कहता है कि जी वहां पे जो इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एयर डिफेंस सिस्टम था उसको जो उसको निशाना बनाया गया है और पासदारान इंकलाब के जो वहां पे हेडक्वार्टर्स थे उनको निशाना बनाया गया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया इस पूरे हमले को देख रही है। अच्छा, ईरान का ये कहना है कि वो ईरान को ये कहा जा रहा था कि ईरान ने अगर दोबारा हमला किया तो फिर जंग आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ईरान का कहना है कि वो अपना हक महफूज रखता है, कि वो अपना बदला ले सकता है, वो इसराइल पे दोबारा हमला कर सकता है। जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं ईरान तो डर गया, ईरान हमला नहीं करेगा, तो ईरान में जो सुप्रीम लीडर है उनके वो ये कहते हैं अली खामनाई के उन्हें हुक्म दिया कि भाई हम अपना हक महफूज रखते हैं, हम लोग अटैक कर सकते हैं इसराइल पर, जवाब भरपूर तरीके से इसराइल को दिया जा सकता है। अब इस सारे मामले में जो चीज एक सामने आई है वो ये आई है कि एक तो पूरी दुनिया में ये सामने आ गया कि कोई जितनी बड़ी तादाद में बताया गया जी 100 तैयारे गए वहां पे, यू हो गया ये हो गया, कोई इतना बड़ा वहां पे ईरान का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। अच्छा, अब अगर ईरान का नुकसान होता तो यकीनन ईरान अभी तक जो है वो दोबारा हमला इसराइल पर कर चुका होता, उसमें 4 फौजी उनके शहीद हुए हैं। ईरान ईरानी जो मीडिया वो इसको रिपोर्ट कर रहा है और सरकारी मीडिया जो है उसके मुताबिक। अच्छा, अब इसमें देखना यह है कि जो यही सूरत हाल अगर जारी रहती है तो फिर क्या होगा। देखिए, एक तरफ अभी आलमी बिरादरी को इसमें सोचना होगा। कल सऊदीया जो है वो, हालांकि एक वक्त में सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन सऊदीया ने भरपूर तरीके से ईरान की हिमायत का ऐलान किया है और शदीद अल्फाज में कल मुजम्मत भी सऊदीया की जानिब से की गई है, शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई है। और सऊदीया कहना है कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो तहम्मल मिजाजी से इस मामले को हल करने में अपना किरदार अदा करें, नहीं तो हम ईरान के साथ हैं। सऊदीया ने फुल खुल के कह दिया जी मैं ईरान के साथ हूं।
बाकी बहुत सारे मुमालिक हैं जो फुल कह रहे हैं कि हम किसको सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे ईरान को सपोर्ट करेंगे। अब यही कशीदगी अगर बढ़ती है तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो सूरत हाल होगी वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। और बहुत सारे जो अभी इसराइल को ये लग रहा है कि उसके साथ बहुत सारे मुल्क खड़े, लेकिन अगर जंग आगे चलती है, अगर जंग शदीद जिद्दत अख्तियार कर जाती है, अगर जंग होगी तो ईरान के साथ ज्यादा मुबारक। मैं आपको ये बात आप लिख के रख, रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। रूसी साख्ता जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ही ये जो हमला था उसे नाकाम बनाया है। क्योंकि अगर ये जो तैयारे हैं ये अंदर घुस जाते, हालांकि इसे इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, इंडियन मीडिया ये कहता है जी कि जी तैयारे आए अंदर घुसे, घुस के उन्होंने जो है ना शाएं बाएं दिखाई और दिखा दुखू के वहां पे हाल हाल डाल के और फिर वापस आ गए, उनको दिखा दिया कि अगर आप तुम हमारे साथ लड़ोगे तो हम ये कर देंगे। देखिए मेरी बात सुने, एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, इसको हम सैम कहते हैं, ये मिसाइल जो होती है ये जहाज के पीछे लग जाती है। अब ये जो तैयारे थे जहां इसमें F-16 फोर्थ जनरेशन तैयारे, फिफ्थ जनरेशन तैयारे सारे शामिल थे, F-35 भी शामिल था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो है रूसी साख्ता ये बड़ा खतरनाक है, ये किसी भी जहाज को गिराने में पल भर में ये जहाज को ढेर कर देता है। ये तैयारे जो है वो वहां पर गए ही नहीं, और वहां जो कोई जॉर्डन की स्पेस इस्तेमाल की गई है या इराक की स्पेस इस्तेमाल की गई है, जहां की भी इस्तेमाल की गई है, मिसाइल दागे गए हैं और जिसको एयर डिफेंस सिस्टम जो था उसने नकारा बनाया। ये वो तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो राजिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।